इस वजह से अब्दुल रोजिक ने दिया था मंडली टूटने का स्टेटमेंट। सामने आई बड़ी वजह, मंडली के इस मेंबर से अब्दू है नाराज। जी हाँ, क्या ही पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। वेल, हाल ही में अब्दुल रोजिक ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिस स्टेटमेंट के बाद मंडली के फैंस जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। जी हाँ, दरअसल अब्दू ने कहा था मंडली खत्म। जहाँ अब्दू के स्टेटमेंट के बाद शिव ठाकरे ने भी ये क्लियर किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, मंडली साथ में ऑलवेज एंड फॉरएवर। लेकिन हाल ही में अब एक खबर आई है जिसके मुताबिक अब्दुल रोजिक जो है वो मंडली के इस मेंबर से नाराज है और इसी वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। जी हाँ, ये मेंबर कोई और नहीं बल्कि है एमसी स्टैन। वल खबरों के मुताबिक एमसी स्टैन के साथ अब्दुल रोजिक जो है वो एक गाना बनाना चाहते थे, लेकिन ये गाना जो है वो बन नहीं पाया किन्हीं कारणों की वजह से। और इसी के साथ अब्दुल चाहते थे कि एमसी स्टैन उनके गाने के लिए एक रील भी बनाए, लेकिन एमसी स्टैन जो है उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते अब्दुल जो है वो हो गए हैं नाराज और मंडली में कहीं ना कहीं फूट पड़ गई है। वल हम आपको बता दें कि ये सब ना होने की वजह ये नहीं है कि एमसी स्टैन ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन एमसी स्टैन जो है फिलहाल अपने वर्क कमिटमेंट को लेकर ये सारी चीजें नहीं कर पाए। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि एमसी स्टैन फिलहाल काफी ज्यादा बिजी है और हर सिटी में उनके शोज हो रहे हैं। जहाँ अपने इतने बिजी शेड्यूल के चलते एमसी स्टैन जो है वो अब्दू के लिए ये सारी चीजें नहीं कर पाया, जिसके चलते अब्दू जो है वो नाराज है, ऐसी खबरें आ रही है। हालांकि अभी तक अब्दू या एमसी स्टैन किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन आपका क्या कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और टेलीविजन से जुड़ी हुई इसी तरह की ढेर सारी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।